ये बहुत मस्ती कर रही थी भाई। हाँ जी, ये फाइनल में आपको बताऊंगा, ये कंपटीशन है। इसमें ये नहीं है कि मेरे पास ये ग्लिटर नहीं है या मैं ये यूज नहीं करती या उसने मुझे तंग किया है, वो साइड में टीका लगाने दे रही थी, या आपका काम था, आप हमें बताते, हम आपको चीजें प्रोवाइड कर देते, हम आपको बता देते। लेकिन नंबर वन तो किसी एक को होना था, जिसने दूसरी आंख को बैलेंस किया, जिसने बेस को सही किया, जिसने ये सारी चीजें की। सो मेरे ख्याल से मैं बुला लूं। बिल्कुल, नाम आप बताएंगे? मैं बिल्कुल। आपका नाम क्या है? फरहत। फरहत, तो मेरे ख्याल से फरहत नंबर वन पे रहेंगी। और आज प्रॉपरली जजमेंट एक एक चीज पे हुई है। यहाँ तक फरहत ने बाल भी उसके आगे से काटे उससे इजाजत लेकर, और फिर मेकअप बैलेंस किया जल्दी जल्दी सब। वो साथ अपनी बेटी को भी देख रही थी वहां कि वो तंग कर रही है, लेकिन फरहत ने, क्योंकि वाजिद ने एक एक चीज देखी, वो बिल्कुल जायजा लेते रहे थ्रू आउट द शो कि किसके हाथ में कितना टैलेंट है, और कोई घबराहट वाली चीज हो जाए तो कैसे कोई पैनिक को संभाल सकता है। सलोन एक्चुअली उसी को रन करना चाहिए। आर्ट और टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन सलोन रन करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो कि फरहत ने यहाँ पूरी तरीके से दिखाई है। और इसीलिए वाजिद के कहने पर फरहत जीत गई हमारा पहला प्राइज। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, सारी माओं का, सारी बेटियों का।